A very good morning to dear students. Today the same chapter, the story of Vaisakhi. We will continue this chapter on today also. Yesterday the last paragraph was the guru leaped into the tent. Again they heard a whoosh followed by a thud. Once more the guru reappeared with his sword apparently dripping with blood. कल हमने ये पढ़ा था कि गुरु उस व्यक्ति को लेकर के टेंट में गया. अगेन उसके बाद में उन सभी जो भीड़ वहाँ पे एकत्रित हुई थी उन सभी ने एक सनसनाहट की आवाज़ सुनी और उसके बाद में वंस मोर टाइम एक बार फिर गुरु रीअपीयर्ड उसी प्लेस पे उस टेंट से वापस बाहर आए विथ हिज स्वॉर्ड अपार्टली ड्रीपिंग विथ ब्लड. जो गुरु के हाथ में गुरु गोविंद सिंह के हाथ में जो तलवार थी वो तलवार ऊपरी तौर से तलवार का जो ऊपर का हिस्सा था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको ब्लड में डुबाया हुआ हो. उसके साथ में उस तलवार को लेकर के गुरु वापस टेंट से बाहर आए. सो द गुरु आस्क द पीपल टू चैरिटेबल क्वेश्चन अनदर थ्री टाइम्स. सेम क्वेश्चन जो गुरु ने पहले उसी भीड़ से पूछा था कि इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ले डाउन करने के लिए बलिदान करने के लिए रेडी है और अपने आप को गुरु और अपने गॉड के लिए सेक्रीफाइड करना चाहता है. तो उसी क्वेश्चन को उस भयानक क्वेश्चन को गुरु गोविंद सिंह ने थ्री टाइम्स रिपीट किया दोहराया और उस भीड़ से पूछा. ईच टाइम अ वॉलंटियर केम फॉरवर्ड. हर समय जो स्वयं सेवक होता था वो एक एक करके एक एक व्यक्ति आगे आता था. अपने जो स्टेप थे वो आगे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए गुरु के पास में आए थे. द गुरु डिसअपीयर्ड इनटू द टेंट विथ हिम एंड देन रिटर्न टू क्राउड अलोन. ठीक उसी प्रकार गुरु जो व्यक्ति सैक्रिफाइड करने के लिए आगे आते थे उस व्यक्ति के साथ में टेंट में जाते थे और फिर वापस अकेले उसी तरह से तलवार को हाथ में लिए हुए उसी टेंट से बाहर आते थे. ईच टाइम द क्राउड हर्ड अ टेरिबल नॉइज एंड सा व्हाट लुक्ड लाइक अ ब्लस्टेंड स्वॉर्ड. हर समय भीड़ ने इसी तरह से सनसनाहट और भयानक सी आवाज़ को सुना और देखा कि जो गुरु के हाथ में जो तलवार थी उस तलवार के ऊपर बहुत सारे ब्लड के खून के दाग लगे हुए थे. द पीपल वर वॉचिंग वर सो शॉक्ड दैट मैनी स्टार्टेड रनिंग अवे इन फियर शॉबिंग. इसी तरह से जो लोग ये इस तरह का जो सीन जो दृश्य देख रहे थे उन शॉक्ड की वजह से सदमे की वजह से बहुत सारे व्यक्ति दौड़कर भागने शुरू हो गए और बहुत सारे व्यक्ति भय के कारण रोने लग गए. सडनली द गुरुज वॉइस कुड बी हर्ड अबव द टेरिफाइड क्राइज वेट ही कॉल्ड डॉन्ट गो. अचानक उन सभी व्यक्तियों ने गुरु गोविंद सिंह की आवाज़ को सुना कि वेट रुको ही कॉल्ड गुरु गोविंद सिंह ने बुलाया. डॉन्ट गो आप मत जाओ. आई हैव समथिंग टू शो यू मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ. द गुरु डिसअपीयर्ड इनटू द टेंट. गुरु टेंट से गायब हुए ए फ्यू मिनट्स कुछ समय के बाद. लेटर ही रिटर्न लीडिंग ऑल फाइव मैन देयर हेयर नीटली टाइड इन टर्बन. गुरु टेंट में डिसअपीयर वापस गायब हुए थे और कुछ समय के बाद में वापस आए उन सभी पांच व्यक्तियों के साथ में. जो व्यक्ति गुरु ने गुरु के साथ अपने आप को सैक्रिफाइड करने के लिए आगे बढ़कर आए थे उन पांचों व्यक्तियों के साथ गुरु वापस लोगों के सामने आए और ऑल फाइव मैन दे हैड नीटली टाइड इन टर्बन्स. उन सब लोगों ने देखा कि जो पांच व्यक्ति थे उनके बाल अच्छी तरह से
नीटली टाइड अच्छी तरह से बंद हुए थे और उनके पगड़ी पहनी हुई थी। द क्राउड गेप्ट इन डिसबिलीव हाउ कुड दिस मैन बी अलाउड। जो लोगों की भीड़ थी उन लोगों ने डिसबिलीव, उनको अविश्वास हो रहा था, वो अविश्वास के कारण हाँफ रहे थे। हाउ कुड दिस मैन बी अलाउड, और उन लोगों ने ये बताया कि ये पांच व्यक्ति कैसे जीवित हैं। द गुरु स्पोक, गुरु बोले, गुरु ने बोला कि यू ऑल हैड सो लिटिल फेथ एक्सेप्ट फॉर दीज फाइव मैन। गुरु ने कहा कि इन पांच व्यक्ति को छोड़कर बाकी आप सब लोगों का विश्वास बहुत कम है। किस पर? धर्म पर, या अपने गुरु और अपने भगवान पर। इन पांच व्यक्ति को छोड़कर के आप सभी का विश्वास बहुत ही कम है। दे एलोन हैव शोन ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेवरी। इन व्यक्तियों ने एक विशेष रूप की बहादुरी का परिचय दिया है। आई विल कॉल दिस मैन टू ब्लेस फाइव, मैं इन पांचों व्यक्तियों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाऊंगा। द गुरु पॉइंटेड टू द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। गुरु ने जो व्यक्ति उनके फ्रंट सामने खड़े थे उनको पॉइंटेड करते हुए कहा, आई वॉन्ट ऑल सिक्स टू बी ब्रेव एंड फियरलेस लाइक देवर। जिस भी तरह से ये पांचों व्यक्तियों ने बहादुरी का परिचय दिया, ठीक उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जो सिख धर्म के अनुयायी है, जो सिख हैं, जो सिख धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो भी इसी तरह से फियरलेस, बिना डर से रहें। वी विल फ्रॉम अ ब्रदरहुड कॉल द खालसा। हम सभी खालसा ये सिख धर्म के पंथ का नाम है, जो भाईचारे की भावना के साथ, जो सिख भाईचारे की भावना इस फाउंडेशन में रहते हैं, उन रहने वाले व्यक्तियों को खालसा कहा जाता है। तो हम सभी खालसा हैं और हम सभी को खालसा कहा जाएगा। एवरी वन विल बी इक्वल एंड वी विल ऑल शेयर द सेम नेम। हम सभी समान हैं और सब व्यक्तियों को एक ही नाम शेयर किया जाएगा। सिख मैन विल बी कॉल्ड सिंह। आप व्यक्ति का जो नाम होगा उस नाम के पीछे सिंह वर्ड्स को ऐड किया जाएगा। विथ मीन्स लॉयन, सिंह का मीन्स लॉयन के समान, शेर के समान बहादुर। एंड सिख वुमेन विल बी कॉल्ड कोर विथ मीन्स प्रिंसेस। और सिख की जो महिलाएं होंगी उनको कौर, उनके नाम के पीछे कौर वर्ड्स रहेगा, उसका मतलब होता है प्रिंसेस, राजकुमारी। वी विल वेयर स्पेशल साइन सो दैट पीपल विल नो वी आर सिख। हम एक हमारा एक स्पेशल साइन प्रतीक होगा जिसके द्वारा लोग हमें जान पाएंगे। वी विल वियर आवर हेयर अनकट, टाइट अप एंड कैप्ट इन प्लेस विथ ए स्मॉल कॉम्बेंट कवर्ड बाई अ टर्बन। हम अपने हेयर्स को अनकट, हेयर्स को नहीं कटवाएंगे, एंड टाइड अप, इस हेयर्स को टाइड अप करेंगे टर्बन के द्वारा। एंड लोगों को, जो सिख धर्म को मानने वाले, उनको पगड़ी, हेयर को टाई करके उसके ऊपर पगड़ी रहेगी। और कैप्ट इन प्लेस विथ ए स्मॉल कॉम्ब, हम उसके साथ में एक छोटे से कंघे को रखेंगे, एंड कवर्ड बाई अ टर्बन, और पगड़ी से कवर करेंगे। जो सेम सेंटेंस आई स्पोक यू बिफोर, ऑन अवर रिस्ट वी विल वियर ए स्टील बैंगल बिकॉज स्टील स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। और हम अपनी कलाई पर स्टील के बैंगल को पहनेंगे क्योंकि स्टील स्ट्रेंथ और करेज का, शक्ति और साहस का प्रतीक है। वी विल कैरी ए स्ट्रॉ टू प्रोटेक्ट द वीक एंड आवर सेल्स। हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, और जो वीक पर्सन होता है, जो कमजोर व्यक्ति, उसी को भी
उसी की भी रक्षा करने के लिए हम अपने पास में एक छोटी कटारी या तलवार को कैरी करेंगे, अपने साथ में रखेंगे। वी विल वेयर स्पेशल ट्राउजर्स शो दैट वी कैन राइड अवर हॉर्सेस विथ एज। हम एक स्पेशल विशेष तरह की पतलून या हम एक विशेष तरह की पतलून यूज़ करेंगे, उसको पहनेंगे, क्योंकि दैट वी कैन राइड अवर हॉर्सेस विथ एस, आसानी से हम अपने घोड़े को राइड कर सके, उनकी सवारी कर सके। वी विल लर्न टू लाइव, हम जीना सीखेंगे। वर्क एंड प्ले टुगेदर एज इक्वल, एक समान दृष्टि से साथ में काम करना और साथ में खेलना। विथ अवर स्पेशल एपियंस वी विल ऑलवेज बी नोटिस्ड फॉर वॉट वी डू। जो गुरु के जो स्पेशल जो व्यक्ति होंगे वो बाहरी रूप से नोटिस करते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। देन द गुरु ब्लेस्ड दैट मैन, जो फाइव व्यक्ति जो अपने आप को सैक्रीफाइड करने के लिए गुरु के सामने आए थे, उन व्यक्तियों को गुरु ने आशीर्वाद दिया। ही टुक ए बाउल, उन्होंने एक कटोरी को अपने हाथ में लिया, ऑफ स्वीटेड होली वाटर कॉल्ड अमृत एंड स्टार्ट इट विथ ए स्मॉल शॉट। एक छोटी कटोरी उस कटोरी में एक छोटी तलवार से उस कटोरी में पानी को मिलाया, उस पवित्र पानी को। ही गेव द फाइव मैन सम ऑफ दिस वाटर टू ड्रिंक, उस थोड़े से पानी को उन पांच व्यक्ति को पीने के लिए दिया। एंड देन स्प्रिंकल ईच ओवर देयर हैंड्स, और उनके हाथों पर उस पानी का छिड़काव किया। एज ही डिड सो ही मेड देम मेंबर्स, उसने ऐसा इसलिए किया कि उन व्यक्ति को उसने अपना मेंबर अनुयायी बनाया था। ऑफ न्यू फैमिली द खालसा, अपनी जो अपने पंथ को बढ़ाने के लिए उन पांच व्यक्तियों को मिलाया था, और उस नए परिवार का नाम खालसा था। इट इज सेड दैट बाय द एंड ऑफ द डे ओवर 20,000 पीपल बीकेम मेंबर्स ऑफ द खालसा, और कहा कि उस दिन के अंत तक 20,000 पीपल, 20,000 तक व्यक्ति उस खालसा पंथ के मेंबर बन चुके थे। डियर स्टूडेंट्स, द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज रानी एंड जुगनू सिंह। सो नाउ वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर एक्सरसाइज, आई विल सेंड यू थ्रू अटैचमेंट फाइल, kindly write it in your notebook and submit to me. Thank you. Have a nice day.